Hello, in this video we are going to talk about the topic secure routing in ad hoc wireless network. अब देखो जो traditional networks होते हैं या wired internet होता है उसमें क्या होता है कि dedicated routers होते हैं जो ISP control करता है तो security provide करना थोड़ा easy होता है. But जब हम ad hoc networks की बात करते हैं the node जो नोड है वो एक्ट करती है एज रेगुलर टर्मिनल या फिर सोर्स है डेस्टिनेशन और राउटर भी वही होती है. इसका मतलब क्या है कि सपोज़ अगर हम एक वायर्ड नेटवर्क की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सपोज़ ये नोड है, ये नोड है, तो आपके पास सेंटर में एक डेडिकेटेड राउटर है, ठीक है ना. सो ऐसे होता है नेटवर्क बेसिकली. सो ये जो राउटर है नेटवर्क के बीच में ये क्या करता है, ये सिक्योरिटी को प्रोवाइड कर सकता है बाय इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट फायर वॉल्स या कुछ भी करके सिक्योरिटी को प्रोवाइड कर देगा. बट जब हम एडॉक वायरलेस नेटवर्क की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये ऐसे कुछ नोड्स हैं एंड दीज नोड्स आर कनेक्टेड विद देमसेल्व्स एंड ये जो नोड्स हैं यही नोड्स एक तरह से एज ए सोर्स डेस्टिनेशन एंड राउटर की तरह काम करती हैं. अब आपको सबको पता है कि एडॉक नेटवर्क्स के अंदर सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो है रिसोर्सेज का कम होना, बैंडविड्थ कम है, पावर कम है, मेमोरी कम है, तो इन सब कारणों से जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. बट सिक्योरिटी का कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं. अगर हम सिक्योर राउटिंग प्रोटोकॉल को जो यूज़ करेंगे तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं. वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सबसे पहली चीज़ तो जो अटैक होते हैं, अटैक कौन कौन से थे, वॉर्म होल, ब्लैक होल, जिसमें कुछ मलिशियस नोड्स होती हैं, तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है दैट इज डिटेक्शन ऑफ मलिशियस नोड्स. सो डिटेक्शन ऑफ मलिशियस नोड्स, इसका मतलब है कि अगर आप कोई सिक्योर राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो तो वो इन चारों चीजों को जरूर पूरा करे. देन अब ऐसा नहीं है कि मलिशियस नोड को डिटेक्ट कर लिया भाई तो, बट ये नहीं कि जो आपका पाथ है, रूट है, वो सही डिटेक्ट करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा तो नहीं हो सकता. सो सेकंड रिक्वायरमेंट इज गारंटी ऑफ करेक्ट रूट डिस्कवरी. रास्ता भी तो सही पता लगना चाहिए. सो गारंटी ऑफ करेक्ट रूट डिस्कवरी, ठीक है. देन द थर्ड इज कॉन्फिडेंशियलिटी, जो सबसे मेन चीज है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी. ये तो किसी को पता लगनी ही चाहिए आउटसाइडर को. सो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी. एंड फोर्थ इज स्टेबिलिटी अगेंस्ट अटैक, कि ठीक है अगर अटैक हो भी गया तो उससे किस तरह से हम कोप अप करेंगे, किस तरह से उसके इफेक्ट को नलीफाई करेंगे, मिनिमाइज करेंगे. ऐसा नहीं कि अटैक हो गया तो पूरा नेटवर्क ही आपका डाउन कर दिया, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. तो ये तो थे रिक्वायरमेंट्स. अब हम देखते हैं सिक्योर अवेयर राउटिंग प्रोटोकॉल, सिक्योर अवेयर एडॉक राउटिंग प्रोटोकॉल जिसको हम बोलते हैं सार, उसके बारे में. सो सिक्योरिटी अवेयर राउटिंग प्रोटोकॉल SAR, इट यूजेस सिक्योरिटी एज वन ऑफ द की मैट्रिसेस इन पाथ फाइंडिंग. सो सिक्योरिटी क्या है, अब एक मैट्रिक है पाथ फाइंडिंग में. और वो सिक्योरिटी का जो मैट्रिक है वो बेसिकली है क्या, दैट इज़ अ लेवल ऑफ ट्रस्ट. सो हर नोड का अपना कोई एक लेवल ऑफ ट्रस्ट होता है, उसको यूज़ किया जाता है. सो ईच नोड इज इनकॉर्पोरेटेड विद सर्टेन लेवल ऑफ सिक्योरिटी, सर्टेन लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड ईच फॉरवर्डिंग पैकेट इज एसोसिएटेड विद अ सिक्योरिटी लेवल. सो बेसिकली देखो अब इसमें होता कैसे काम, सो वी विल सी हाउ इट वर्क्स. सो नाउ लेट अस से हमारे पास कुछ नोड्स हैं ए बी सी एंड डी, देन ई एफ जी एंड एच, और यहाँ पे हमारे पास ये नेटवर्क है ही. ठीक है, और ए सोर्स है और डी डेस्टिनेशन है. नाउ देयर आर टू पाथ्स अवेलेबल हेयर, वन इज वाया दिस. अगर आप इसके थ्रू जाते हो तो देखो कितना हॉप्स लगेगा, 1 2 3 हॉप्स, एंड वन इज थ्रू दिस.
सो अगर हम नॉर्मल राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करते तो हम इस वाले पाथ को चूज़ कर लेते. सो दिस इज़ पाथ वन एंड दिस इज़ पाथ टू. ठीक है, बट अब इसमें सिक्योरिटी की जब बात आती है, लेट अस सपोज दिस नोड बी, दिस इज़ द न्यू प्राइवेट नोड विच इज़ एडिड टू द नेटवर्क. सो न्यू प्राइवेट नोड एडिड टू द नेटवर्क, और न्यू प्राइवेट नोड जो ऐड हुई है नेटवर्क में, इट विल हैव लो लेवल ऑफ ट्रस्ट. मतलब जो भी सिक्योरिटी मेट्रिक हम लेवल ऑफ ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे कम है. सो जो राउटिंग प्रोटोकॉल होगा या सिक्योरिटी अवेयर राउटिंग प्रोटोकॉल जो है, वो कौन सा पाथ चूज करेगा? ये वाला. इट इज़ अ लॉन्गर पाथ, बट स्टिल दिस पाथ इज चूजन, क्योंकि इसका जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है वो इस वाले पाथ से ज़्यादा है. सो दैट इज हाउ दिस सिक्योरिटी अवेयर राउटिंग प्रोटोकॉल वर्क्स. ठीक है, सो नाउ वी विल सी दिस थिंग. जैसे मैंने कहा था कि हर फॉरवर्डिंग पैकेट के साथ एक एसोसिएटेड सिक्योरिटी लेवल होता है. अब उसको हम मैच करते हैं नोड के सिक्योरिटी लेवल से. ठीक है, सो उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. सो बेसिकली तीन डिफरेंट केसेस हैं कि जो नोड का सिक्योरिटी लेवल है, अगर वो पैकेट के सिक्योरिटी लेवल से कम है, तो सिंपल जो पैकेट है या रूट रिक्वेस्ट का जो मैसेज है वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि पैकेट को लगेगा कि वो नोड ट्रस्टेड नहीं है. सो रूट रिक्वेस्ट मैसेज इज डिस्कार्डेड. इफ नोड सिक्योरिटी लेवल इज ग्रेटर देन पैकेट सिक्योरिटी लेवल, देन द पैकेट इज फॉरवर्डेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो सिंपल, पैकेट इज फॉरवर्डेड. देन अगर इक्वल है दोनों का सिक्योरिटी लेवल, सो पैकेट इज फॉरवर्डेड बट द नोड कैन नॉट व्यू द मैसेज. सो पैकेट इज फॉरवर्डेड बट द नोड कांट व्यू द मैसेज. सो दिस इज अबाउट द सिक्योरिटी अवेयर एड हॉक राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसमें हमने देखा कि लेवल ऑफ ट्रस्ट एक एज ए सिक्योरिटी मेट्रिक की तरह यूज किया जाता है. And this is all for this particular video lecture. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.